साराभाई वर्सेस साराभाई, इंडियन टेलीविजन का वो कल्ट शो जिससे सभी की कुछ ना कुछ यादें जुड़ी हैं। शो ने ऐसी सक्सेस देखी कि अभी तक कोई मैच नहीं कर पाया है। इसी के तर्ज पर कई शोज बनाने की कोशिश हुई पर सफल नहीं हुए। ऐसी ही एक कोशिश अब पाकिस्तान में हुई है, जहां शो का रीमेक बनाया गया है। प्रॉब्लम ये थी कि ये अनऑफिशियल रीमेक था। ओरिजिनल शो के राइटर आतिश कपाड़िया तक भी ये खबर पहुंची। दरअसल उन्हें किसी ने पाकिस्तानी शो का वीडियो लिंक भेजा, देखकर फ्रस्ट्रेशन हुई, फेसबुक पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिख डाला। लिखा, सुबह की शुरुआत एक फॉरवर्डेड वीडियो लिंक से हुई। उसे ओपन किया और देखा कि वर्ड टू वर्ड, फ्रेम टू फ्रेम हमारे शो साराभाई वर्सेस साराभाई का अनऑफिशियल रीमेक है और ये पश्चिम के हमारे पड़ोसी ने किया है। बिना किसी शर्म के ये फ्री वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर डाला गया है और एक्टर्स मेरे लिखे शब्द इतनी गंदी तरह से बोल रहे हैं कि देखकर दिमाग खराब हो गया। इसके आगे आतिश ने लिखा, मैं समझता हूं कि साराभाई वर्सेस साराभाई से प्रेरणा लेकर वैसा कुछ बनाया जा सकता है। खिचड़ी ने भी बहुत लोगों को उसी तरह का शो बनाने के लिए इंस्पायर किया था। प्रॉब्लम इस बात से है कि ये किरदार क्रिएट करने के पीछे के लॉजिक को नहीं समझे। इसी तरह पहले के इंस्पायर्ड वर्जन भी गलत थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि शो बस क्लास डिवाइड के बारे में था, जो कि शो का सिर्फ एक पहलू था। पर ये कॉपी, ये तो भयानक है। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि शो के व्यूज ना बढ़ाएं। अपनी बात खत्म करते हुए लिखा, कॉपीराइट के लिए इतना सब कुछ, और मैं टेक्निकल कॉपीराइट की बात नहीं कर रहा, मतलब जिस बेशर्मी से इन चोरों ने शो को उठाया है। बता दें कि साराभाई वर्सेस साराभाई साल 2004 में शुरू हुआ था स्टार वन पर, 2 साल से ज्यादा तक चला। हालांकि इसके बाद शो का सेकंड सीजन भी साल 2017 में रिलीज किया गया था। सेकंड सीजन एक डिजिटल शो था जिसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखा जा सकता है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी यमन ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। YouTube और Facebook पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल, और आसान भाषा में पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।